होठों पर पिंक कलर की ग्लॉसी से ये लिपस्टिक, माथे पर है बहुत ही छोटी सी बिंदी और मांग में सिंदूर, और फूलों का ये गजरा जो कि बहुत ही ज़्यादा फ्रेश हैं, बहुत ही सुंदर हैं, एंड स्पार्कल वाली ये इस तरीके की चूड़ियाँ जो कि गोल्डन कड़े के साथ में है। और इस तरीके से जब आप रेडी होते हो ना किसी शादी में जाने के लिए तो परफेक्ट लुक होता है, और इस लुक को चार चांद लगाता है बहुत ही सुंदर सा ये एक इयररिंग जो कि मैंने मीशो से लिया है। एंड बहुत ही खूबसूरत गोल्डन कलर के इयररिंग्स है विद पर्ल्स, और इतने ज़्यादा सुंदर लगते हैं ना कि क्या ही बताऊँ। कानों लुक को कंप्लीट किया है गोल्डन एंड ब्लैक कलर की खूबसूरत सी साड़ी के साथ। गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। सो जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं शादी सीरीज़ आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, लेकर आई हूँ, और काफ़ी सारे लोगों को पसंद भी आ रही है वीडियो, क्योंकि मैंने ना आपके साथ में शेयर कर दिया है लाइक संगीत मेकअप लुक, हल्दी मेकअप लुक, और अब बारी आती है शादी मेकअप लुक शेयर करने की वेडिंग में जाने के लिए, ठीक है। तो मुझे लगा कि ब्लैक आउटफिट से ज़्यादा अच्छा और कुछ हो नहीं सकता है लाइक वेडिंग में, मतलब स्पेशली लड़कियाँ जो है ना वो ब्लैक कलर बहुत ज़्यादा पहनना पसंद करती हैं, तो इसलिए मैंने उन्हीं के लिए वीडियो एक्चुअली डेडिकेट किया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ना स्किन केयर की बारी आती है, तो स्किन केयर के लिए मैंने सबसे पहले तो फेस वॉश वगैरह कर लिया है अच्छे से, देन इसके बाद में टोनर लगाने की बारी आती है। टोनर के लिए एक अच्छा सा टोनर आप लें, अगर आपके पास कोई भी टोनर नहीं है तो आप गुलाब जल एज अ टोनर यूज़ कर सकते हैं, तो वो मैंने लिया है गुलाब जल। एंड इसके बाद में मॉइस्चराइजर लगा लिया जो कि है नीविया का, और ये सारी चीज़ें ऐसी मैं बता रही हूँ आपको जो कि ईजिली अवेलेबल हो जाएंगी शॉप पर, और मतलब अफोर्डेबल रेट में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये ले लिया है। देन इसके बाद मैं यहाँ पे स्विस ब्यूटी का पर्ल इल्यूमिनेटर ले रही हूँ, जो कि मेकअप के लिए मतलब बेस के लिए ना बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट होता है। अगर आपको रात के फंक्शन में लाइक शादी में जाना है और आपको ग्लोई सा बिल्कुल इफेक्ट चाहिए, आपको लगे कि मतलब बहुत ही ग्लोई सा रहे, बहुत ही ग्लो करे फेस आपका, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा इफेक्ट लेकर आता है बाद में ये। एंड इसके अंदर प्राइमर जो है मुझे लगाना था, देन मैंने प्राइमर जो है शायद मैं भूल गई लगाना, तो प्राइमर के लिए ना मैं आपको बेस्ट ऑप्शन दे रही हूँ जो कि स्विस ब्यूटी का। अगर आप प्राइमर यूज़ करते हो तो उसमें चंकी पार्टिकल्स होते हैं बिल्कुल स्पार्कल वाले, तो वो भी आपके फेस को ना एक अच्छा सा ग्लो देते हैं, तो वो आप ज़रूर खरीद लें। एंड देन इसके बाद में बारी आती है फाउंडेशन के, तो मैंने फाउंडेशन के लिए लैक्मे का ये फाउंडेशन लिया है, अगेन बहुत ही अफोर्डेबल है और बेस ना बहुत ही अच्छा आता है, सेटल सा बेस बनता है इससे, तो ये भी आप ले सकते हैं। और इसके बाद में बारी आती है कंसीलर की, तो कंसीलर मैं जैसे कि लगा रही हूँ स्विस ब्यूटी का, ये कंसीलर भी अगेन लाइट वेट है एंड बहुत ही अफोर्डेबल है और अच्छे से ब्लेंड हो जाता है, जो भी डार्क स्पॉट्स वगैरह है ना बहुत अच्छे से ये ब्लर आउट कर देता है, तो ये भी आप जो है वो ले सकते हैं, हाईली रिकमेंड करूँगी मैं आपको, एंड बहुत ही अच्छा इफेक्ट आता है इसका, तो ये काफ़ी बेस्ट ऑप्शन है। और इसके बाद में मैं ले रही हूँ आई मेकअप के लिए, ये है मेकअप रिवोल्यूशन का छोटा सा पैलेट। इसमें अगर आप देखेंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा कलर्स नहीं है, दो चार कलर हैं, लेकिन ऐसे कलर्स हैं जो कि आप इजीली जो है वो अपना आई मेकअप कर सकते हैं, लाइक ब्राउन टोन है या फिर बेज कलर का टोन है, गोल्डन टोन है, ये सारे टोन्स हैं ना, ये सारे ऐसे हैं जो कि आई मेकअप मतलब जनरली आप आई मेकअप कर सकते हैं इनसे। तो अगर आप देखेंगे तो मैंने ब्राउन शेड लिया है और उसको धीरे धीरे ब्लेंड करूँगी ब्रश की हेल्प से सर्कुलर मोशन में, और इसके बाद में मैंने इसी पैलेट से ना डार्क वाला ये शेड लिया है, और ये थोड़ा सा स्पार्कली शेड है, तो इसको मैं हल्का हल्का से जहाँ पे काजल अप्लाई करते हैं, जहाँ पे आउटर कॉर्नर्स हैं वहाँ पर पैट करूँगी और अप्लाई करूँगी, क्योंकि वहाँ पर ना थोड़ा सा डार्क दिखाना होता है जो आउटर कॉर्नर्स हैं, तो मतलब आई मेकअप जो है ना एकदम परफेक्ट लगता है, तो इस हिसाब से मैंने पे कर लिया है, दोनों आईज जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे और बहुत ही ज्यादा सुंदर रहेंगे, तो जो भी फॉल आउट्स हैं वो मैं हटा दूंगी यहाँ पे ब्रश की हेल्प से, और इसके बाद में दोनों आईज आप देखेंगे तो इस तरीके से हो गई है कंप्लीट, तो लग रही है अच्छी ना। तो ये है इस तरीके से, बाकी मैंने यहाँ पे ऊपर से थोड़ा सा ना शाई स्टाइल्स का ये पैलेट है, तो उस पैलेट से गोल्डन सा टोन लिया है और इसकी हेल्प से अच्छे से लिड को लाइक लगा लेंगे लिड पे, तो बहुत ही सुंदर लगेगा ना, मतलब
ना आईज बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेंगी। और क्योंकि शादी का फंक्शन है तो शादी में ना इस तरीके से अगर स्पार्कल वगैरह लगाते हो आप, थोड़ा सा शिमरी शेड लगाते हो, तो बहुत ही सुंदर लगती हैं आईज, दूर से ही चमकती हैं तो बड़ा सुंदर लगता है। तो इस तरीके की आईज जो है आप क्रिएट कर सकते हो और ईजिली क्रिएट कर सकते हो, बहुत ज़्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही ईजिली क्रिएट हो जाता है। और अगर आप देखेंगे तो आउटर कॉर्नर्स पे ना हल्का हल्का सा ब्लैक कलर मैंने अप्लाई किया है इसी पैलेट से, तो क्योंकि मुझे थोड़ा सा लग रहा था, तो ये देखिए मैंने हल्का सा लिया है ब्लैक कलर और हल्का सा आउटर कॉर्नर्स में अप्लाई कर लिया है, तो एकदम परफेक्ट आई मेकअप हुआ है। और इस तरीके से मैंने कर लिया है कंप्लीट आईज। फॉलोअर्स होंगे उनको हटा देंगे। एंड अब बारी आती है लाइक लाइनर लगाने की, ठीक है। तो लाइनर में सबसे बेस्ट मैं आपको बोलूँगी, अगर आपको अच्छे से लाइनर लगाने नहीं आता है तो आप स्केच आईलाइनर लगा सकते हैं, और या तो अगर लगाने आता है तो लिक्विड लाइनर लगा सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे स्केच भी नहीं लिया, लिक्विड भी नहीं लिया, जेल आईलाइनर लिया है। जेल आईलाइनर की मुझे जहाँ तक बात समझ में आती है बहुत अच्छे से ये लग जाते हैं, और मतलब अगर आपको अच्छे से लगाने आता है तो ही आप इसको यूज़ करें, अदरवाइज स्किप करें, क्योंकि थोड़ा सा इसमें इधर उधर लगने का, पुतने का डर रहता है। तो इस तरीके से देखिए मैंने हल्का हल्का सा ही लगा लिया है लाइनर, विंग लाइनर लगाया है। और अब बारी आती है मस्कारा लगाने की। मस्कारा के लिए मैंने लिया है ये है इनसाइट का मस्कारा, और मस्कारा भी ये भी काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है अगर आप देखेंगे तो, और बहुत ही अच्छा, मतलब आईज अगर आप चाहो ना तो लैशेस लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छे से जो है वो लैशेस कोट हो जाती हैं इससे, और कलर भी इसका काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। तो ये मुझे पसंद है ये मस्कारा पर्टिकुलर। और इसके बाद में बारी आती है आईब्रोज पे। तो आईब्रोज़ के लिए मैंने यहाँ पे लिया है स्विस ब्यूटी का आईब्रो पेंसिल, और इसकी हेल्प से अच्छे से आईब्रोज़ को सेट कर लेंगे। तो आईब्रोज़ स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि उससे जो है लुक जो है कंप्लीट हो जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि आईब्रोज ही स्किप कर देते हैं। आई तो आपकी सुंदर लगती हैं, बट आईब्रोज़ अगर कंप्लीट ना होना तो वो फुल आई मेकअप नहीं कहलाता है। तो आपको आईब्रो सेट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। इसके बाद में बारी आती है काजल की। तो काजल के लिए जैसा कि आप सभी को पता है मुझे हिमालय का काजल बहुत पसंद है, इसलिए नहीं कि वो जो है वो अफोर्डेबल है, बस इसलिए कि वो मेरी आंखों में चुभता नहीं है, इरिटेट नहीं करता है। बहुत सारे काजल मैंने यूज़ करके देखे हैं, लैक्मे, मेबलिन एंड प्लम एंड बहुत सारे, लेकिन मुझे ना कोई भी काजल सूट नहीं करता है, बस यही वाला सूट करता है हिमालय का। तो दैट्स वाई मैं लगाती हूँ हर वीडियो में एक ही काजल, ठीक है। ये मत बोलना कि आप हर वीडियो में एक ही काजल क्यों लगाते हो, तो इसलिए मैं लगाती हूँ। इसके बाद आपने देखा कि मैंने फेस पैलेट लिया है जो कि स्विस ब्यूटी का था, और इस पैलेट से मैंने हल्का हल्का सा कॉन्टोर किया है। एंड देन इसके बाद में पाउडर अप्लाई करेंगे, पाउडर के हेल्प से अच्छे से मेकअप को सेट करेंगे। तो ये मैंने मार्स का लूज़ पाउडर लिया है, लूज़ जो ट्रांसलूसेंट पाउडर होता है ना वो लिया है, बहुत अच्छे से सेट हो जाता है मेकअप और बिल्कुल भी ओवर नहीं लगता है। तो मेकअप को सेट करना मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इससे फाउंडेशन कंसीलर जो भी ओवर होता है वो अच्छे से सेट हो जाता है, और आपका जो बेस है ना एकदम खिल के आता है, मतलब मेकअप पूरा खिल के आता है। तो ये आपको मुझे लगता है कि लगाना ही चाहिए, तो गर्मी हो या सर्दी यूज़ ज़रूर करें। तो ये मैंने कर लिया है, अच्छे से नेक एरिया में भी अप्लाई कर लिया है ब्रश की हेल्प से, एंड देन फेस पे भी लगा लिया। और अब जो है बारी आती है हल्का हल्का सा ब्लश लगाने की। तो इसी पैलेट से मैंने जो एकदम लाइट वाला पिंक कलर है ना वही लिया है, और हल्का हल्का सा ब्लश लगाएंगे। ब्लश लगाना किसको नहीं पसंद है, और किसी को पसंद है। अगर एक नॉर्मल सी लड़की भी है ना तो उसे ब्लश लगाना पसंद होता है जनरली, एंड मैं बता दूँ उसको हल्का हल्का सा हाईलाइटर पसंद होता है, ये दोनों चीज़ें ना उसको बहुत पसंद होती हैं। तो वैसे ही है, इसलिए मैंने यूज़ किया है हल्का हल्का सा ब्लश एंड हल्का सा हाईलाइटर, तो काफ़ी अच्छा फेस जो है वो हो जाता है कंप्लीट। यहाँ पे देखेंगे तो मेकअप हो चुका है कंप्लीट यहाँ पे। एंड इसके बाद में लिपस्टिक की बारी आती है। तो लिपस्टिक के लिए मैंने ये NYB की 5-in-1 लिपस्टिक, जो कि आई थिंक मैंने जब इसको खोला ना, काफ़ी दिनों बाद मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, जब से मैंने इसको लिया था, ख़रीदा था, तब से मैंने यूज़ भी नहीं किया है, और अब जाके मैं देख रही हूँ इसमें कितने सारे शेड्स हैं और प्यारे प्यारे शेड्स हैं। तो मैंने सोचा कि इसमें से ही एक शेड कोई पिक करती हूँ और इसको लगा के देखते हैं कि कैसा शेड है। लेकिन बहुत ही मुझे अच्छा लगा गाइस, जब मैंने इसको लगाया ना मुझे लगा कि यार मैं तो भूल ही गई थी इसको लगाना। कहीं भी अगर आप जा रहे हो मार्केट वगैरह या कहीं घूमने उमने तो आप ये लगा सकते हो, क्योंकि ये लिपस्टिक मुझे काफ़ी ज़्यादा प्यारी लगी और इसके शेड्स काफ़ी प्यारे प्यारे हैं। तो ये भी मैंने अमेज़ोन से मंगवाया था, काफ़ी मुझे लगता है दो साल तो हो गए होंगे अमेज़ोन से मंगवाया था इसको मैंने,
तो देखिए, अगर आप शेड देखेंगे ना, तो पिंक कलर का बहुत ही प्यारा सा शेड है, और इस शेड पे मैंने जब ग्लॉस लगा लिया था तो और भी ज़्यादा प्यारा लग रहा था, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ये मैट सा उतना अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि शादी में अगर जाते हैं ना तो लिप्स अगर ग्लॉसी ना हो तो फिर बात क्या, मतलब ग्लॉसी लिपस्टिक होनी चाहिए, और सॉरी ग्लॉसी लिप्स होने चाहिए, है ना। तो ये मुझे आजकल काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है, जब ग्लॉस लगा लेती हूँ ना तो लुक बहुत ही अच्छा आता है। तो ये अप्लाई कर लिया है इस तरीके से लिपस्टिक, और अब अगर आप लुक देखेंगे तो अच्छा लग रहा है ना। इसके बिना थोड़ा सा अधूरा लग रहा था ग्लॉस के बिना। तो देखिए, इस तरीके से हो गई हूँ रेडी, और अब बारी आती है बिंदी लगाने की। तो अगर आप देखेंगे तो ब्लैक कलर की छोटी सी बिंदी लगाई है, मुझे लगा कि मरून नहीं लगाते हैं, रेड नहीं लगाते हैं, ब्लैक लगाते हैं, साड़ी ब्लैक है तो ब्लैक बिंदी तो ऐसे ही खिल जाती है, लगाने के बाद में चेहरा पूरा खिल जाता है। तो ये मैंने लगाई है यहाँ पर ब्लैक कलर की छोटी सी बिंदी। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है ना। और इसके बाद में बारी आती है हेयर स्टाइल की। तो हेयर स्टाइल मैं चाहती ना तो यहाँ पे हेयर्स को ओपन भी कर सकती थी, क्योंकि ओपन हेयर्स भी बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं। अगर आप साड़ी वेयर करते हो, स्पेशली ब्लैक कलर की, तो बालों को खुला रखना, मतलब मुझे लगता है कि वो ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करता है। बट मुझे यहाँ पे एक्चुअली गजरा लगाना था, क्योंकि मैंने गजरा, फ्रेश गजरा मंगवाया था अभी अपने हस्बैंड से, और वो मुझे इस लुक में वेयर करना था। सो दैट्स वाई मैंने यहाँ पे बन बनाया छोटा सा पीछे, और इसके बाद में मैंने गजरा लगाया, जो कि मुझे लगता है कि बहुत सुंदर लुक था, और बहुत अच्छा फैसला भी था मेरा गजरा लगाने का, क्योंकि ये लुक को ना चार चांद लगा दिया था, ये जो फ्रेश गजरे हैं ना ये। तो इस तरीके से देखिए, छोटा सा बन बना लिया, एंड इसके बाद में ये है मेरा गजरा, तो ये लगा लेंगे। तो जब भी आप फ्रेश फ्लावर्स के गजरे लगाते हैं, स्पेशली वाइट कलर के, तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं, क्योंकि ब्लैक के साथ में जो वाइट जाता है ना, बहुत कॉम्प्लीमेंट करता है, बहुत ही सुंदर लगता है। और ऐसा देखिए, पीछे से लग रहा था कुछ ऐसा लुक, जो कि बहुत ही अच्छा लुक आ रहा था। तो आपको कैसा लग रहा है बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। इसके बाद में मैंने लगा लिया यहाँ पे सिंदूर। तो जैसा कि मैंने बोला कि मैंने लड़कियों के लिए वीडियो बनाई है, डेडिकेट किया उनको, तो सिंदूर तो ऑब्वियस सी बात है वो नहीं लगाएंगे, सिंदूर मंगलसूत्र नहीं लगाना है। और मैंने ये एक तरह से लड़कियों के लिए एंड वुमेन के लिए, दोनों के लिए एक तरह से क्रिएट किया है कि अगर आप क्रिएट जैसा, मतलब दोनों लुक ही दिखाया है कि कैसा लगता है, मतलब टर्न आउट होने के बाद में कैसा आता है। तो ये देखिए, अब मैं यहाँ पे डालूंगी चूड़ियाँ, और यहाँ पे मैंने स्पार्कल वाली ब्लैक कलर की चूड़ियाँ डाली हैं विद गोल्डन कड़ा, क्योंकि बॉर्डर जो है वो गोल्डन कलर का है। सो दैट्स वाई मैंने यहाँ पे बिल्कुल मैचिंग मैचिंग चूड़ियाँ पहनी हैं। और इसके बाद में अब जो है ना, बारी आती है इयररिंग्स की, जो कि इतनी ज़्यादा सुंदर है ना, मैं इसकी जितनी तारीफ करूँ उतना ही कम है। और बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि ये इयररिंग्स आपने कहाँ से लिया है, और इसके कोड वो मांग रहे हैं। सो इस वीडियो में डेफिनेटली आपको कोड मिलने वाला है इस इयररिंग्स के, जो कि मैंने मंगवाए हैं मीशो से। बहुत ही सुंदर हैं, बहुत ही ज़्यादा सुंदर, जितनी तारीफ करूँ ना उतना कम है। और ये डेफिनेटली आप खरीद सकते हैं, कोड में दे दूंगी। बहुत ही, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हैवी हैं, बीच के हैं, मतलब अगर आप देखेंगे ना तो लाइट वेट भी नहीं है एंड बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं है, तो आप इजीली मतलब कैरी कर सकते हो इयररिंग्स को, ठीक है। तो इस तरीके का कुछ ये लुक टर्न आउट होके आया है। कैसा लग रहा है आपको मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये लुक कमेंट सेक्शन में। और आप मेरे शादी सीरीज़ को एंजॉय कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, कौन सा लुक आपको बहुत ज़्यादा बेस्ट लगा, ये सारी चीज़ें मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। और डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है, आई एम श्योर कि आपको ये वाला लुक भी ना काफ़ी ज़्यादा प्यार लगेगा। साड़ी अगर आप देखेंगे तो ये अगेन मीशो से है, जो कि ब्लैक एंड गोल्डन के कॉम्बिनेशन में है। तो ठीक है, बताइएगा ज़रूर कॉमेंट करके। मिलती हूँ आपको शादी सीरीज की लास्ट वीडियो रिसेप्शन लुक के साथ में। चैनल पर नए आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।